इंडिया गेट चलेगा? अकेला जा रहा हूँ, चल ले यार, भाव भी नहीं दे रहा। कोई नहीं बेटे, सबका टाइम आता है। किसी भी काम को करने के लिए एम होना बहुत जरूरी है। आज मैं सुबह निकला तो मेरे को लगा आधे रास्ते से वापस चले जाऊं, बट मुझे एक चीज पुकार रही थी कि साहिल जा, वहां पर माई बाइक आ रही है, उसका रिव्यू बना। जा वहां पर क्रॉस की एक हाइब्रिड साइकिल आ रही है, उसका रिव्यू बना। सीन ये था कि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था और शाम को वर्कआउट कर लिया, रात को सोया नहीं और सुबह सुबह यहाँ आ गया। तो बॉडी इज बिट टायर्ड, बट लेट्स गो इन लालच ऑफ माय बाइक एंड क्रॉस की हाइब्रिड बाइसाइकिल का रिव्यू बनेगा। ये जो पीछे आप देख रहे थे, फुटपाथ पे बच्चे सो रहे थे, तो उससे अगर मैं पीछे वीडियो बनाता तो वहाँ तो और ज़्यादा सो रहे थे। इनका कोई एग्ज़ाम होता है और ये बेचारे रात से आ जाते हैं। नॉट टू से बेचारा, बट यस समवेयर आई फील लाइक कि यार फुटपाथ पे सोते हैं, हाउ डेडिकेटेड दे आर, सैल्यूट टू देम। और सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो। ये नई कार आई है सोनेट, काफ़ी अच्छी है किया की, और इसमें IMT आया है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्लच नहीं है बट गियर है, और गियर बदलो, रेस दबाओ, ब्रेक दबाओ, दैट्स ऑल, क्लच की ज़रूरत ही नहीं है, स्मार्ट क्लच। ये क्यों परेशान हो रहा है? ये इसलिए परेशान हो रहा है क्योंकि किशोर भाई पानी लेने गए हैं इसके लिए, और इसको लग रहा है कि ये छोड़ के कहाँ चले गए मेरे को। देखो, प्यार, अत्यंत प्यार। तो इंडिया गेट हम पहुंच चुके हैं एंड जिन लोगों से मुझे मिलना था वो मेरे सामने हैं, और हमारी साइकिल्स भी आ चुकी है जिसका हमें आज रिव्यू करना है। किशोर भाई, मिस्टर KSR, ये अपने पार्टनर के साथ आए हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, मिलो, ये है रॉकी। किशोर भाई, मैं इनको देख के इंडिया गेट आया था, और यहाँ इतनी तगड़ी भीड़ आप लोगों ने भी देखा है मेरे काफी ब्लॉग्स में, क्या क्या कहना है आपका? जब से मैं नहीं आया ना, तो यार लोग नहीं है। बट मतलब एक पॉइंट है ना, है नहीं आज वीकडेज पे एक्चुअली, क्योंकि हुआ था बीच में शायद ना वो सारा दर बंद कर दिया शायद उन्होंने उस साइड में, काफी लोगों को हटाया गया था बीच में, शायद उसकी वजह से लोग आए नहीं शायद। सही बात है, क्योंकि और मेरे को लगता है वीकेंड्स पे ही ज्यादा है, वीकडेज पे इतना है नहीं। तो अगर भीड़ से बचना है तो वीकडेज पे आ जाओ, इन्जॉय कर लो। अब जहाँ हम खड़े हैं बिल्कुल खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं आसपास, और साइकिलिंग करके आते हैं। मैं तो इवन साइकिलिंग में भी मास्क ऊपर नीचे करता रहता हूँ, क्योंकि ब्रीदिंग इशू होने लग जाएगा यार अगर इतनी सी जगह पे हम वही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ अमाउंट तो वो वापस भी आ ही रहा है हमारे, क्योंकि पूरा हम एक्सहेल कर ही नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मास्क को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए, और अभी थोड़ा उतारा इसलिए कि बॉडी रिलैक्स हो जाए, पूरा ब्रीदिंग अच्छे से हो सके। और
चल रहा है पीछे भी काम, रॉकी वहाँ परेशान हो रहा है। बाइक जिसका हम अभी रिव्यू करेंगे एंड पीछे खड़ी है हमारी क्रॉस की वाइपर आई गेस हाइब्रिड साइकिल, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और वरुण भाई से अभी पूछते हैं कौन सी बाइसाइकिल है, कौन सा मॉडल और कैसा एक्सपीरियंस है, और अलग से रिव्यू वीडियो इन दोनों की आपके साथ बना के शेयर करते हैं। ये देखिए मेरे हेलमेट के स्टिकर का कितना बढ़िया यूज हो रहा है। आपको कौन सा हेलमेट लेना चाहिए? एल साइज। आपको हेलमेट लेना चाहिए? हेलमेट लेना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अगर हो ये तो गंदी बात रॉकी, हेलमेट के बिना साइकिल नहीं चलानी, लेना चाहिए। ये भी हम क्रॉस की वाइपर चला रहे हैं, हाइब्रिड साइकिल है और काफी स्मूथ है, काफी स्मूथ साइकिल है। गियर्स नहीं है इसमें बट मजा आ रहा है चलाने में, क्योंकि टायर पतला है, एज यू नो मिक्सचर ऑफ रोड बाइक एंड एमटीबी, तो जो इसकी स्पीड है वो भी ये जल्दी पकड़ती है और इजी टू राइड है। ये डेली कम्यूट के लिए काफ़ी अच्छी बाइसाइकिल है ये। तो इंडिया गेट की जर्नी अब यहाँ ख़त्म होती है एंड मैंने अभी तक मिलवाया नहीं जिन जिन की साइकिल का रिव्यू करा है। वरुण भाई इन्हीं की है ये क्रॉस, और ऑस्टिन भाई वरुण के दोस्त और अब मेरे भी दोस्त। तो वरुण भाई से तो पता नहीं कितने साल पुरानी दोस्ती है, हम दोनों ने काफ़ी शूट्स करे हैं एक साथ। तो इनका चैनल है आर्टिस्टिक व्लॉग्स करके, उसका लिंक ऊपर आएगा आई बटन में, प्लीज़ जाएँ सब्सक्राइब करें, वो मैडनेस है, वहाँ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ फिटनेस है, तो आप देखें एंड इन्जॉय करें। एंड ये है विशाल भाई हमारे, हम यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे एंड इन्होंने हमें पहचाना कि भैया मैंने आपकी वीडियोज़ देखी है। थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये भी घर के पास ही रहता है तो मेरे साथ ही जाएगा, ये काफ़ी वेट किया, इसकी साइकिल का भी रिव्यू करा है हमने छोटा सा। ये तीनों साइकिल्स का आज रिव्यू हुआ है और जल्दी वीडियो आएगी, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उसको। आज का दिन यहीं अब ख़त्म करते हैं और घर पहुंचते हैं। ये छोटा सा ब्लॉग था और सबको एक सेफ्टी वो बता रहा हूँ, एक तो हेलमेट क्योंकि मैंने खरीद लिया है, और दूसरी बात भाई देखो सच बताना, ये क्लस्टर बस वाले जो होते हैं ना, ऑरेंज बस, इनसे ज्यादा सावधान रहना। सुबह बच के आए हाँ, ये ना जान इंटेंशनली एकदम पास से निकालते हैं। आज सुबह निकाला, आगे रेड लाइट पे खड़ा हुआ, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो यार, कह रहा मैं कहा क्या ये है, 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 बस करके चल दिया आगे। तो हाँ ये उसका है एक हल्का सा लगेगा और ये हमारी पिचकू सी साइकिल कहाँ उड़ के जाएगी। तो हेलमेट और उनका थोड़ा ध्यान रखें बस बस का, धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, टाइम बहुत ज़्यादा हमने आज ले लिया, वीडियोस बहुत सारी बना दी। एंड थैंक यू अगेन ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। कहाँ से कुदाओगे? कुदाओगे कहाँ से? हाँ तो वहाँ से जाओ ना फिर। तो अभी विशाल और मैंने एक ब्रेक ली थी, वाटर ब्रेक, और विशाल अपनी साइकिल चला रहा है जो कि सिंगल स्पीड है एंड मैंने इसे बोला कि तू गियर वाली ट्राई कर और मैं तेरी सिंगल स्पीड चलाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी थकावट उसको हो रही थी। मैं राइट थकावट हो रही थी हाँ। तो शरीफ है, कम बोलता है, और मैंने कहा भाई एक्सपीरियंस ले, मैं ये चलाता हूँ तू वो चला। अभी कैसा लग रहा है? थम्स अप। सही है, चला तू घर तक, यही चला फिर।
ब्लॉक के एंड में भी आपने देखा होगा किशोर भाई गायब थे। तो हुआ ये कि जहां हम शूट कर रहे थे वहीं पर कार पार्क करी थी, और भी कार पार्क थी, और उनकी कार टो करके ले गए। काफ़ी रिक्वेस्ट करी हमने कि सर और भी कार पार्क है, रहने दो। तो बात ठीक है, वो पार्किंग प्लेस नहीं है, वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। बट अगेन इतनी सारी गाड़ी खड़ी है, उसको भी टो करो, एक को लेके जा रहे हो। तो अब वो गए हैं गाड़ी को छुड़वाने, खर्चा हो गया सुबह सुबह बेफालतू में उनका। तो यहाँ हमारे रास्ते अब अलग अलग होते हैं। थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन ब्रो। वेलकम। सही लगी फ्रॉग? हाँ बहुत बढ़िया, मजा आया। रिलैक्स हो गया, वरना तो मतलब पॉसिबल नहीं था आना। चल बढ़िया है भाई, पहुंच घर आराम से। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर ब्रो, बाय बाय।